न्यूरॉन्स के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला तो होगा ये डेंड्राइट्स, उसके बाद आएगी सेल बॉडी, और उसके बाद ये जो एक एक्सटेंशन है लॉन्ग अनब्रांच्ड एक्सटेंशन, ये है एक्सॉन। तो न्यूरॉन के कितने पार्ट? तीन पार्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब देखेंगे कि इसमें डेंड्राइट्स कैसे हैं। आपको दिख रहा है सामने ही कि ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है इसमें मेनी डेंड्राइट्स हैं। आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में मेनी डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सॉन है। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी यहाँ पर ब्रांचिंग निकली हुई है, कितनी सारी एक्सटेंशन है और एक से ज्यादा है, तो ये मेनी डेंड्राइट्स है। सेल बॉडी है, इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। अब डेंड्राइट्स हो गया, उसके बाद क्या आया? सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसे पेरिकार्योन भी बोल सकते हैं, जिसे साइटोन भी बोल सकते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या बोला? नीजल ग्रेन्यूल्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई थी ना, तो हमें पता चला था कि ये नीजल ग्रेन्यूल्स और कुछ नहीं बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और राइबोसोम्स हैं। तो ER प्लस राइबोसोम इवेंचुअली क्या हो गया? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।